This is last lecture on module 2 continuous beam and curved beam in this particular lecture we will discuss about the continuous beam and beam curved in plan so in continuous beam we will discuss about the redistribution of moment so continuous beam it is a beam which more than two support is known as continuous beam and redistribution of moments वैन द लोड इज इंक्रीज इन द सेक्शन इट्स गोज इन टू द प्लास्टिक स्टेज एंड देर इज अ फॉर्मोशन ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एंड प्लास्टिक हिंज इन द सेक्शन दिस इज आवर पर्टिकुलर सेक्शन वेन लोड इंक्रीज देन दिस सेक्शंस गो इन प्लास्टिक मोमेंट मीन्स लोड अगर इंक्रीज हो जाता है सेक्शन पे तो एक प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाता है मतलब ये बेंड हो गया दिस इज आवर सेक्शन एंड दिस गोइंग टू बेंडिंग एंड ये बेंड हो गया और प्लास्टिक ड्यू टू प्लास्टिक सेक्शन स्टार्ट रोटेटिंग एंड द मोमेंट गेट्स ट्रांसफर टू द अदर सेक्शन ड्यू टू दिस प्लास्टिक सेक्शन स्टार्ट रोटेटिंग सेक्शन रोटेट करना ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाता है रोटेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से मोमेंट ट्रांसफर हो जाता है अदर सेक्शन पे इस सेक्शन पे जो मोमेंट आ रहा था वो अदर सेक्शन पे अदर सेक्शन पे ट्रांसफर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स ओके जब हमारा सेक्शन है सेक्शन पे लोड इंक्रीज हुआ तो प्लास्टिक तो इस सेक्शन से ट्रांसफर होकर अनदर सेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है दैट्स नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट कंपल्सरी नोट वेन आई एस कोड मेथड इज यूज टू कैल्कुलेट मोमेंट ऑफ अंटिन्यूसट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इज नॉट पर हमने पहले डिजाइन किया था कंटिन्यूस विम को मतलब आई एस कोड मेथड उस मेथड से अगर हम लोग सेशन को डिजाइन करते हैं कंटिन्यूस विम को तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट परमिट नहीं होता है दैट इज वेयर कोफिशियंट गिवेन इन टेबल ट्वेल्व दैट इज आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड आर यूज फॉर द कैलकुलशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट री डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्ड इन दी टूं आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड सेल नॉट बी परमिटेड सेम वही अगर हम लोग आई एस कोड मेथड से कंटिन्यूस वीम को सॉल्व करते हैं तो जो ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन में रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट के लिए कंटिन्यूस वीम का जो प्रोविजन है वो परमिट नहीं हो सकता है हेंस इन केस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट प्रॉब्लम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज यूज अगर मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हम पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सेक्शन को सॉल्व करेंगे मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडिशनल मोमेंट फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर सेक्शन हैविंग रिजर्व मोमेंट कैरिंग कपेसिटी हमने ऊपर भी पढ़ा कि मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मोमेंट को ट्रांसफर करते हैं वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन देयर इज सम कोडल प्रोविजन फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड सो 37.1.1 पेज नंबर 68 रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट मे बी कैरिड आउट सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल लोड इज मेंटेन्ड इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल लोड बोथ में इक्विलीरियम मेंटेन होना चाहिए मतलब ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए कि इंटरनल फोर्स ज़्यादा है और लोड कम लोड ज़्यादा है इंटरनल फोर्स कम दोनों इक्वलीरियम मेंटेन होना चाहिए द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड एट एनी सेक्शन ऑफ मेम्बर इज नॉट लेस दैन सेवेंटी परसेंट ऑफ मोमेंट एट दैट सेक्शन ऑप्टेन फ्रॉम द इलास्टिक मैक्मम मोमेंट डायग्राम कवरिंग ऑल अप्रीप्रिय कवरिंग ऑल अप्रीप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ लोड्स दिस मीन्स दैट कि हम जिस सेक्शन के लिए मोमेंट रिडिट्रीब्यूशन डिजाइन कर रहे हैं वो सेक्शन एट लीस्ट मिनिमम सेवेंटी परसेंट मोमेंट को वो खुद ही कैरी करेगा not less than 70% of the moment at that section obtained from elastic maximum moment diagram covering all the combination of load that particular section for which we are designing redistribution moment that should must be support 70% of moment at that particular section okay the elastic moment at any section in a member is due to particular combination of loads, shall not be reduced by more than thirty percent of numerically largest moment given anywhere by the elastic maximum moment diagram for particular members covering all the appropriate combination of load. This also means that only thirty uh, percent moment can be transferred from one support one section to another section. This clearly shows that only if you have hundred kilonewton support on any section you want to redistribution so only you can 30 kN transfer to the another section only 30% load can transfer from one section to another section in redistribution method at section where the moment capacity after redistribution is less than that from the elastic maximum moment diagram following relationship shall be satisfied this relationship shall be satisfied to the section XU by d plus t m by 100 less than or equal to 0 0.6 x u is the depth of neutral axis the effective depth Del m is percentage reduction in moment there is three load cases for moment redistribution method दिस इज़ गिवन इन क्लाउज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर पॉइंट वन पेज नंबर थर्टी फाइव आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड इफ डब्लू यू एल इज़ लेस दैन थ्री बाई फोर ऑफ़ डब्ल्यू यू डी दिस इज़ लाइव लोड एंड दिस इज़ डेड लोड सो इफ़ लाइव लोड इज लेस दैन थ्री बाई फोर्थ ऑफ डेड लोड दैन नो लोड केसेस लाइव लोड अगर कम होता है डेड लोड के थ्री बाई फोर्थ से तो कोई लोड केसेस नहीं होगा मीन्स टेक टोटल यूडीएल ऑन फुल बीम मीन्स अगर ये कंडीशन अगर होता है तो कोई लोड कंडीशन नहीं होगा मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल कंटिन्यूवस बीम पे टोटल यूडीएल ट्रांसफर होगा जैसे पहले इक्वेशन में कंटिन्यूस बीम को सॉल्व करने के लिए हम लोग टोटल में होल वन पॉइंट फाइव फैक्टर करके डेड लोड प्लस लाइव लोड कंप्यूट कर रहे थे इफ दिस केस अकर देन ओनली अदरवाइज वी हैव अनदर केसेस अगर इसके अलावा कुछ और होता है तब तो हम लोग लोड केसेस कंसिडर करेंगे अरेजमेंट ऑफ इम्पोज लोड इम्पोज लोड इज लाइव लोडीडरेशन मेंम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट डिजाइन डेड लोड ऑन ऑल स्पैन विथ फुल डिजाइन इम्पोज लोड ऑन टू एडज स्पैन फॉर टेनिंग मैक्सिमम हॉकिंग मोमेंट मीन्स डेड लोड पूरे स्पैन पे हैं और लाइव लोड ओनली टू एडज स्पैन पे प्रोवाइड किया डेड लोड पूरे कंटिन्यूस स्विम पे है और लाइव लोड ओनली टू एडजेसेंट लाइव लोड मीन्स डेड लोड डेड लोड यहाँ भी है डेड लोड यहाँ भी है और फैक्टर लाइव लोड प्लस डेड लोड ओनली टू एडज स्पेन पर हैं तो मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट एट सी तो मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट सी पे होगा दिस इज फर्स्ट केस फॉर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिस इज सेकेंड केस डिजाइन डेड लोड ऑन ऑल स्पैन विथ फुल डिजाइन इम्पोज लोड ऑन अल्टरनेटिव स्पैन टू गेट मैक्सिमम स्पैन मोमेंट दिस इज अवर सेकेंड केस दैट डेड लोड डेड लोड विल बी ऑन द होल स्पैन and live load that is imposed load is live load will be on alternative span एक span को छोड़ के एक span पर हम लोग live load plus dead load दोनों लगाएंगे बाकी whole में dead load तो होगा ही self weight तो होगा ना section का so ये हमारा second case है in that case maximum span moment at BC and DC सी मैक्सिमम स्पैन मोमेंट इस केस में बी और डी पे होगा जहाँ भी लोड दोनों लाइव प्लस डेड लोड फैक्टर लाइव प्लस डेड लोड होगा वहाँ मैक्सिमम मोमेंट आकर होगा दिस इज आवर फर्स्ट केस व्हेन डिजाइन इम्पोज लोड डज नॉट एक्सीड थ्री फोर्थ ऑफ डिजाइन डेड लोड द लोड अरेंजमेंट में बी डिजाइन डेड लोड एंड डिजाइन इम्पोज लोड ऑन द ऑल स्पैन मैंने पहले भी बोला ऊपर में हमने यही डिस्कस किया कि अगर लाइव लोड थ्री बाई फोर से डेड लोड के लेस होता है देन होल मैक्सिमम मैक्सिमम लोडिंग ऑन ऑल स्पैन देन हम लोग दैट डेड लोड और लाइव लोड होल स्पैन पे ट्रांसफर करेंगे इस केस में देयर सम एडवांटेजेस द फर्स्ट इज This helps to reduce bending moment in a peak region, thereby reduction in the congestion of the reinforcement. This helps in reduce the bending moment at one section to transferring that moment in another section. Second, reduce support moment utilize high moment resisting capacity in the mid-span region. Ensure under reinforcement. फेल डेफ ऑफ दल एक्सिश्रीज इन दर्सेंटेज इन रिस्ट्रीब्यूशन रिडिट्रीब्यूशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा न्यूट्रल एक्सिस उतना ही डिक्रीज होगा गिवस बेटर डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग देंथ एंड मेक्स डिटेलिंग इजियर विद द इकनोमिक डिजाइन होल वॉज फॉर द Redistribution of moment introduction, not more than of it. You have to study according to your syllabus. So, moment redistribution moment is finished here. We will start for curved beam.